पड़ गया था काका आराम। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज सुबह सुबह अपना गाड़ी का वॉशिंग चालू है, काफ़ी मैला हो गया था, पुणे जाके आया था। काय तो माचीस है? अरे ते गोल्या असेल त्याच्यामध्ये बघू। अरे ते गोळ्या असतात, गोळ्या ते विक्सच्या, बघ काय पडले का बघ अजून। एक बॉटल गिरा हुआ, हाँ वो फेंक दे, क्लीन करो अच्छे से, अंदर से हवा हवा मार दे। अरे वो विक्स का गोली है, विक्स, हाँ वही विक्स का गोली है, वो उल्टी बिल्टी नहीं किया, वो विक्स का गोली, वो बच्चे के मुंह से गिरा था। क्लीन कर अंदर से हवा मार, गाड़ी काफ़ी गंदा हो गया दोस्तों, तो फटाफट इसको क्लीन बिन करते, कूलन भी भरते इसके अंदर। ये देखो गाइस कितना गाड़ी गंदा होता है अंदर से, पूरा मट्टी मट्टी हो गया, साफ करते हैं अभी अच्छे से, पूरा गाड़ी क्लीन हो रहा है अंदर से, एयर वेयर मार के एकदम पूरा मट्टी 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 हो गया गाड़ी के अंदर। ये देखो क्लीन करेंगे मस्त पैकी, वॉश करेंगे डीजल वॉश मस्त पैकी, टकाटक हो जाएगा अपना एकदम गाड़ी। ये देखो मट्टी देखो कितना पूरा अंदर से, फुल एकदम नीट एंड क्लीन। तो गाइस फाइनली अपना गाड़ी एकदम क्लीन हो गया अंदर से और पूरा बाहर से। मेरा गाड़ी वैसे भी बाहर से डेली मतलब क्लीन होता ही है, बट अंदर से पता नहीं मतलब एकदम मट्टी मट्टी हो जाता है, कस्टमर आते जाते बैठते हैं ना तो उसके अंदर मट्टी मट्टी हो जाता है, तो अंदर से कितना भी कपड़े से अगर साफ करो ना तो भी मट्टी बराबर से निकलता है नहीं, तो उससे चापते में एक बार तो अंदर से और बाहर से दोनों क्लीन कर लेंगे, एकदम क्लीन और फ्रेश लग रहा है अभी तो। बोलते ना जितना गाड़ी क्लीन रहेगा उतना अपने को भी अच्छा लगता है, बाहर से भी काफी सारा डस्ट हो गया था, कैरियर के ऊपर भी काफी सारा डस्ट हो गया था, तो उसको अच्छे से क्लीन किया। अभी मुझे जाना है कूलेंट रिफिल करने को, क्योंकि मैंने कूलेंट रिफिल नहीं करा, तो अभी चलते फटाफट कूलेंट रिफिल करने को, बाद में फिर कंटिन्यू करते हैं अपने काम के ऊपर। तो अभी यही पे कूलेंट वाला है, देखते हैं अभी कौन सा कूलेंट डालते हैं। अभी कंडीशन अभी ये तो गर्म है, इसके अंदर अभी कूलेंट आधा डाल देता हूँ, बाद में फिर बचा कुछ आधा इसके अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि काफी गर्म है, पूरा सूख गया इसके अंदर। अभी इसमें पहले आधा डालते हैं कूलेंट, देखिए क्या ना ढाकन दे पड़ना दे चमक रहा, ये आते ना थे नल्ली पड़नर पकड़ मे। ये देखो गाइस ये वाला कंपनी का डाल रहा हूँ, ग्रीन कलर का कूलेंट है, कूलेंट डालना गाड़ी में जरूरी है, तो टाका त्याच्यामध्ये अर्धा टाका अर्धा त्याच्यामध्ये, नंतर मी नंतर टाकतो त्याच्यामध्ये। कूलेंट एवढं पाण्यासारखं काय वाटतं तो, अर्धच टाका अर्ध त्याच्यात टाकतो नंतर मी, पूर्ण संपलंय काय पूर्ण संपलं, हा ते बाकी त्याच्यात टाकूय ना अर्ध त्याच्यात, अर्ध त्याच्यात टाकूया, अर्ध समोर लांबून जरा लांब कर, कपडा घ्या ना कपडा, ते ओढतं तर गरम आहे, कपडा घ्या दा काका आरामात, नाही ना एवढं गरम नशीब, नाही उडतं ते भीती वाटतं मग ते, हां का तो टाकून बघा थोडंसं लांब थोडंसं, नाही नाही गरम नाही एवढं, हां ते टाकून द्या लांब लांब थोडं,
उड़ते का नाय संपले कूलर त्याच्यामध्ये त्याच्यामुळे टाकून दे बाकी त्याच्यात संपेल ना होईल ना त्याच्यामध्ये सगळं हा ते याचं डाकण आहे त्याच्यावरचं पाणी टाकलं ऑलरेडी त्याच्यामध्ये टाकून देत मी त्याच्यामध्ये पाणी टाकलं त्याच्यामध्ये पूर्ण पाणी पाणी होऊन जाईल ना तर आणि त्याच्यामध्ये पण पाणी टाकलेलं ना मी पूर्ण पाणी पाणी होऊन जाईल ना तर हे टाकून देत मी सर्व टाकून देत त्याच्यामध्ये टाकून दे चालेल कुलंड जास्त असेल तर काही खराब नाही होत काय काय लोक तर पाणी टाकतच नाही फक्त कुलंडच टाकतात काय काय लोक याच्यामध्ये पाणी वाटर लागतं पाणी तर आहे त्याच्यामध्ये ऑलरेडी टाकून देतो मी सर्व ते फायनली आपलं कुलन भी टॉपअप हो गया क्योंकि दो दिन से मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था तो सोचा आज तो सोचा चलो आज गाड़ी भी क्लीन करते और कुलन भी टॉपअप करते तो अभी काफी टाइम हो गया लगभग 11:30 बज रहे तो चलो अभी चलते हैं अभी काम पे देखते हैं आज का क्या बिजनेस होता है क्या स्टेटस है आज का और कितना हमारा आज का अर्निंग होता है तो कुछ अपना राम राम हो गया एकदम थाना में आया हो यहाँ पे थाना में पैसेंजर को यहाँ पे ड्रॉप किया था आगे फूड गली है फूड गली में खाना खाया हो और ये गाड़ी देखो अपनी कैसी क्लीन दिख रहा है आज एकदम टकाटक दिख रहे एकदम आगे से भी देख सकते हो काफ़ी गंदी हो गई थी तो इसके लिए नीट एंड क्लीन करा लिया एकदम और अभी यहाँ पे मैं गोड़ बंदर के यहाँ पे खड़ा हूँ घर से निकलने के बाद गए एक ही पैसेंजर को मतलब जो पर्सनल ट्रिप था एक ही पैसेंजर को कंप्लीट किया और पता नहीं आने के बाद मतलब ओला उबेर चालू करके रखा मैंने बट एक भी बुकिंग मुझे आ नहीं रहा मतलब इतना ठंडा है आज के दिन तो यहाँ पे आगे गए गोड़ बंदर पे यहाँ पे एक जेकोब कॉल सेंटर है उसके आगे ना फूड कर लिया मतलब अच्छे अच्छे वेराइटीज उधर खाने मिलते तो आज बोला चलो वहीं पे खा लेते काफ़ी सारी खाने की चीज़ें वहाँ पे तो बोला चलो वहाँ पे खाने में ना खा लिया फिर आके बैठा गाड़ी में तभी मैंने मतलब ओला उबेर का ऐप बंद नहीं था एक भी बुकिंग आया नहीं तो इतना आज डाउन मार्केट है एक मुझे लगा था ट्रिप कॉल अपना आउट स्टेशन का बट सीन ऐसा था कि पैसेंजर को गाड़ी अर्जेंट में 20 मिनट के अंदर गाड़ी चाहिए था और मेरा गाड़ी था लगभग पौना 45 मिनट के डिस्टेंस पे था बट पैसेंजर को इतना वेट नहीं करने को हुआ तो पैसेंजर ओला करके चला गया तो एक ट्रिप अच्छा चला गया ना तो आज अच्छा खासा अर्निंग हो जाता था बट अभी देखते मतलब इतना डाउन मतलब एक एक दो दो घंटा ओला उबेर चालू और बुकिंग आ नहीं रहा पर्सनली भी बुकिंग नहीं आ रहा पता नहीं आज क्या हो गया तो देखते हैं अभी यहाँ पे मैं भी गोड़बंदर पे बैठा हूँ तो देखते हैं आउटस्टेशन का ही बुकिंग का सोच रहा हूँ अगर जल्दी से अगर कोई 4-5 बजे तक अगर पुणे का अगर ट्रिप मिल जाता ना तो काम हो जाता है आज मतलब इतना स्लो डाउन है आज तो देखते हैं एक तो गर्मी भी खतरनाक गर्मी बाहर चालू है तो अभी जूस भी पी के आए एकदम अच्छा शांति से बैठते गाड़ी के अंदर फिर थोड़ी देर के बाद मिलते आपको देखते आज का दिन कैसा जाता है आज का दिन हमारा काफ़ी देर के बाद मुझे अभी ओला से बुकिंग मिला पता नहीं आज एकदम मार्केट इतना डाउन है बुकिंग कहीं पर भी नहीं आ रहा है बैठ बैठ के पूरा मतलब दिमाग खराब हो गया मतलब बोलते ना काफ़ी देर बैठ जाएंगे ना तो बोर लगता है काम करने को भी कंटाला आता काम करने तो सोचो कितना डाउन चल रहा है और आज पता नहीं नहीं तो पर्सनल पे भी बुकिंग आते रहते बट आज तो उस पर भी डाउन है तो चलो चलते हैं देखो ये वाला गली है कोई कहीं ये गली अभी ये गली से अंदर बता रहा है मेरे को तो ये डीमार्ट वाला पीछे वाला गली शायद ही ऐसा मुझे लगता है पता नहीं एक तो इतने इतने रोड बने इतने गलियाँ गाइज एक तो बुकिंग है नहीं और ओला देखो कि कहाँ कहाँ पे भेजता है ये मेरे को इधर इतना अंदर भेज दिया अम्बली गाँव करके ये शहाड़ के आगे है लगभग मेरे ख्याल से कल्याण स्टेशन यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर होगा 10 किलोमीटर तो होगा मेरे हिसाब से तो इतने अंदर से एक तो मेन रोड पे बुकिंग नहीं आ रहा है मेन सिटी में बुकिंग नहीं आ रहा है और इतने अंदर मुझे भेज दिया और ये जो बुकिंग है मैंने लिया था ये मैंने देखा भी नहीं था डायरेक्ट मेरे से क्लिक हो गया था तो अभी देखो कितना अंदर तक घुस गया अभी यहाँ से तो बुकिंग मिलना तो बहुत ही मुश्किल है तो उससे अच्छा फटाफट बाहर निकलो देखो ना दोनों बाजू जंगल ही जंगल दिख रहे हैं मतलब बुकिंग तो छोड़ो इधर से कुछ आना ही मुश्किल है यहाँ से भी तो अभी यहाँ से पहले निकलते हैं बाहर और वैसे भी मुझे अभी एक पर्सनल बुकिंग मिला है उल्लासनगर से तो उल्लासनगर से लेते पनवेल में ड्रॉप करते हैं क्योंकि मैं थाने गोड़ बंदर से गए ये बुकिंग लिया था और लगभग मेरे ख्याल से 38-39 किलोमीटर था और ओला की तरफ से मुझे मिला इसका 701 रुपये 711 रुपये मुझे इसका मिला मतलब कितना कम पैसा मिलता है ओला का
तो आप समझ सकते हो। अभी यहाँ से पहले फटाफट बाहर निकलते हैं, मेरा 7:15 का पिकअप है यहाँ से, तो बहुत कम दे रहा है ओला पैसा अभी। तो ऐसे नहीं कि मैं पर्सनल बुकिंग कर रहा हूँ इसके लिए, बट सोचो ना आप 20 रुपये ऑन एन एवरेज किलोमीटर के हिसाब से पैसा ओला हमको दे रहा है। तो गाइस ये देखो अम्बेली का फाटक यहाँ पे, अभी कितना मिनट के बाद खुलेगा पता नहीं। एक तो ऑलरेडी बुकिंग ले चुका हूँ मैंने, 2-5 मिनट होता रहेगा शायद, पता नहीं मेरे को, तो अपने को फाटक बिटक अपने को पता नहीं। तो ये गांव के अंदर घुसा दिया ओला के, ओला ने मुश्किल से एक एक बुकिंग स्लो आ रहा है, और उसमें भी ओला ऐसी जगह पे घुसा दे कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और सच में मुझे मतलब जब ये बुकिंग आया था तब मैंने देखा भी नहीं ये बुकिंग, ये डायरेक्ट मेरे मतलब फोन चालू था मेरा, उसमें से ये बुकिंग मेरा एक्सेप्ट हो गया था। बुकिंग एक्सेप्ट गलती करने का नतीजा ये होता है, नहीं तो फिर अम्बेली होता है तो कोई बुकिंग लेता नहीं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपने 14-15 किलोमीटर बाहर एम्प्टी जाना पड़ता है। देखो यहाँ से जब ये ट्रेन निकला, यहाँ से अभी जैसे ये निकलेगा तो अपने ये फाटक खुल जाएगा। तो चलो चलते यार फटाफट यार, एक तो आज कुछ भी काम हुआ नहीं, एकदम पूरा मूड ऑफ, एकदम स्लो है देखो काम। आज के दिन तो काम करने का भी दिल नहीं कर रहा, मतलब दोपहर को सुबह लगभग 11 बजे घर से निकला था, गाड़ी को क्लीन किया, कूलर डाला गाड़ी के अंदर, और 12:15 या 12:15 एक पिकअप लिया जो पर्सनल था। उसके बाद में गए इसमें अम्बेली गया, और अम्बेली से पनवेल मतलब हर जगह पे 2-2 घंटे हर पिकअप, मतलब जैसे पैसेंजर को ड्रॉप कर रहा हो तो 2-2 घंटे खड़े मतलब खड़े रहना पड़ रहा है। इतना आज का दिन, आज का दिन स्लो है, मतलब पूरे दिन भर में 3 बुकिंग सिर्फ कंप्लीट किया। अर्निंग की बात करूँ तो अर्निंग इतना कुछ खास हुआ ही नहीं, ठीक, मतलब जैसा सोचा था वैसा मैंने सोचा कि अर्निंग अच्छा खासा हो जाएगा, मतलब 11 बजे घर से निकल के जैसा सोचा जो ट्रिप मिलना चाहिए वो भी ट्रिप मुझे मिला नहीं आज के दिन में, ठीक है, कभी कम और कभी ज़्यादा होता। पहले तो ठीक है ओला के भरोसे पे काम करते थे, बट आज के दिन ऐसा है कि चलो पर्सन बुकिंग में कुछ ना कुछ तो मिल जाता था, नहीं तो आज के दिन भी तो हालत खराब ही हो जाता था, ठीक है। और ओला तो ऐसा पैसा देता है कि मतलब उसका कुछ हिसाब किताब ही नहीं। काफ़ी देर हो गया मैं यहाँ पे पनवेल के स्टेशन से बाहर निकल, क्योंकि एमटी घूमने को भी टेंशन होता है क्योंकि सीएनजी पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। एक तो आज पेट्रोल भी भरा है, सीएनजी भरा है, मतलब पेट्रोल पे 500 रुपये का भराते जाता हूँ, क्योंकि मैंने एक देखा है मतलब 500 रुपये का आते समय भरा लिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था क्योंकि बीच में भी मैंने पुणे में भी यूज़ किया था, तो बोला चलो 500 रुपये का पेट्रोल भी डाल देते हो, सीएनजी भी गैस भर दिया। मतलब बोलते ना कमाई कम, बोलते ना कहावत है वो, आमदनी 58 खर्चा रुपये, आज के दिन का वैसा सीन कुछ फिलहाल हुआ है। तो अभी फिलहाल मैं हूँ इस पनवेल जो हाईवे के यहाँ पे, अभी काफ़ी देर हो गया यहाँ पे बैठ के, बट अभी क्या करूँ, अभी एमटी जाने को भी सोच में पड़ रहा हूँ। और घड़ी में गैस अभी देख सकते हो, घड़ी में आप 9:30 गैस बज रहे घड़ी के अंदर, तो अभी कुछ बुकिंग आ नहीं रहा। ओला भी चालू करके रखा, उबेर भी चालू करके रखा, पहले आउटस्टेशन का बुकिंग मिला है बट अभी तक कंफर्म हुआ नहीं, तो देखते बातचीत चालू उनसे भी, अगर हो जाता है तो सुबह कल पुणे निकल जाते हैं, मतलब पुणे सुबह अगर निकल के जाके होंगे ना तो शायद दोपहर तक शाम तक अर्निंग अच्छा हो जाएगा, बट देखते अभी देखो कन्फर्म हुआ नहीं, पता चली जाएगा आपको। अभी इधर से क्या बुकिंग मिल रहा है, कुछ काम दिमाग काम नहीं कर रहा ऐसा हो रहा है देखो, तो कभी कभी इतना अच्छा काम हो जाता है ना कि थक जाते काम करने को, और जब भी काम करने के लिए निकलते तो ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाता है। बट इसमें होता क्या पता है कि अगर बुकिंग नहीं मिलेगा ना तो फिर बोर हो जाता आदमी, काम करने को दिल नहीं करता, फिर आदमी घर पर निकल जाता। और कुछ ऐसे ऐसे आज मेरे साथ में हो रहे हैं, मतलब सुबह से आके मतलब सुबह तो जोश जोश में निकला था, जैसे वो थाना का मैंने जो पैसेंजर को ड्रॉप किया वहाँ पे, उसके लगभग खाना पीना खाने के लगभग 2-2.25 घंटे वहीं पे बैठा था, और जो दिया भी दिया बुकिंग वो भी मेरा से क्लिक किया दिया मुझे अम्बेली का बुकिंग दिया, तो जहाँ से जल्दी कोई बुकिंग मिलता नहीं वहाँ का मुझे बुकिंग दे दिया। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हाईवे के ऊपर ही, कुछ यहाँ से लगे बाजू में पनवेल स्टेशन है शायद कुछ लग जाए तो मिल जाए हमको बुकिंग, तो वेट एंड वॉच करते और देखते बुकिंग कब मिलता है। गाइस यार काफ़ी देर बैठा हो यहाँ पे बट कोई भी बुकिंग यहाँ से भी नहीं बच रहे, क्या पता आज क्या हो गया, आज एकदम सा दिन खराब गया आज यार। तो सोचा तो वो अर्निंग हुआ ही नहीं, देखो कितनी गाड़ियाँ लेफ्ट साइड में खड़ी है यहाँ पे, पता नहीं एकदम सा डाउन हो गया आज यार। तो चलो ओला उबेर समझ में आता है, ओला उबेर में तो बुकिंग नहीं आ रहा है, बट यार आज मतलब पर्सनल में भी कोई बुकिंग नहीं आया आज, पूरा मूड ऑफ हो गया आज। ये देखिए पनवेल है, पनवेल के ब्रिज से अभी कितना एम्प्टी जाना पड़ेगा अभी घर पे, अभी इतने अभी गए घर जाते हैं तो कोई लगता है क्या बुकिंग, ऑलरेडी 1 घंटे के ऊपर हुआ गया यहाँ पे बैठा हूँ 10:30 बजे तक। एक तो ये गाड़ी ऐसा है ना कि एमटी भी घुमाने को 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि इसका सीएनजी का जो पॉइंट है ना ऐसे उतरता है कि जैसे मतलब इतना फास्ट उतरता है कि पूछो मत। गाइस फाइनली अपन आ गए घर पे, आज का दिन इतना खराब गया कि मतलब हद से ज़्यादा, फाइनली यहीं पे गाड़ी को पार्किंग किया अभी, और यहीं से अभी निकलूँगा घर पे,
तो हमारी देखो जीनी भी आ गई मेरे को मिलने के लिए। ये मेरी डॉगी है जीनी करके, काफ़ी लोगों को पता है काफ़ी लोगों को नहीं पता। ये रहा विशाल, ये भी आ गया था मिलने। तो अब यहीं पे गाड़ी पार्किंग के, मैं बोला चलो आज वीडियो बाहर बन दे क्योंकि अंदर इतना बैठ बैठ के गर्म हो रहा है और रात इतना मूड खराब है, मतलब जो सोचा था वैसा आदमी को छुआ नहीं। तो उधर से जो गए पनवेल से मैं निकला सीधा एम टी आपके घर पे। मैं बोला चलो कल सुबह जल्दी निकलेंगे और आज का और कल का दोनों का टारगेट जो अर्निंग मैंने सोचा वो कल के दिन में कंप्लीट करेंगे। तो बस गाइस आज का वीडियो में यही पे एंड करता हूं। आई होप आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आएगा, पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस कल एक नए ब्लॉग में वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।